हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव मैथ बाय एसके में। आज हम लोग सीखेंगे अलजेब्रा के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो उस क्वेश्चन को आज हम लोग बनाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन बराबर जीरो हो तो एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू का मान क्या होगा। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन हमें दिया है, इससे हमको ये निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये दिया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमें एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू का मान निकालना है, तो हम लोग इसमें दोनों तरफ x का डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी x का डिवाइड कर देंगे और यहाँ भी x का डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस थ्री प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू, ये तो जीरो ही होगा, जीरो। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे x प्लस वन बाई एक्स, और ये तीन इधर माइनस में, उधर जाके हो जाएगा प्लस में, तो x प्लस वन बाई एक्स का मान आ गया तीन। तो हम लोग को निकालना है एक्स क्यू प्लस वन बाय एक्स क्यू, तो यह हम लोग अब निकाल लेंगे। ये होता है तीन का क्यू माइनस तीन गुने तीन, ये हो जाएगा सत्ताईस माइनस नौ, तो इसका आंसर आ गया अठारह। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अठारह। इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस थ्री ए, इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस क्यू प्लस वन बाय एक्स क्यू का फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस ए क्यू माइनस थ्री ए, यह आप लोग याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला यही होता है ए क्यू माइनस थ्री ए। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, जैसे क्वेश्चन दिया है टू एक्स प्लस वन बाय थ्री एक्स इक्वल टू फाइव हो तो फाइव एक्स बटा सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस बीस एक्स प्लस वन का मान क्या होगा। तो ये हम लोग देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें ये दिया है टू एक्स प्लस वन बाई थ्री एक्स इक्वल टू फाइव, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ दिया है पाँच एक्स बटा सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस बीस एक्स प्लस वन का मान हम लोग को ज्ञात करना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, कुछ नहीं है तो एक है, इसका एलसीएम आ जाएगा थ्री एक्स, ये हो जाएगा तीन दुना छः एक्स स्क्वायर प्लस एक बराबर पाँच। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक बराबर पाँच दिया पंद्रह एक्स, ये हम लोग का आ गया सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक का मान पंद्रह एक्स। अब हम लोग इसको इसमें बैठा देंगे, पाँच एक्स बटा है सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस बीस एक्स प्लस एक, हम लोग इसमें पाँच एक्स है, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन को एक जगह कर लेंगे और बीस एक्स लिख देंगे एक जगह। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आ जाएगा पाँच एक्स या सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन का मान यहाँ निकला है पंद्रह एक्स, यहाँ पंद्रह एक्स बैठा देंगे प्लस ये बीस एक्स, यहाँ बीस एक्स। अब इसका आंसर हो जाएगा पाँच एक्स, दोनों को जोड़ देंगे पंद्रह और बीस पैंतीस एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा, पाँच से सात पैंतीस को काट देंगे, इसका आंसर आ गया एक बट्टा सात, इसका आंसर हो गया एक बट्टा सात।